सो गाइज अभी हम छोड़ के जा रहे हैं क्लास, अभी 9:30 पे अपन निकल। इट्स जस्ट माय नेम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसे गाइस, आई होप आप सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो करते हैं आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट आपके साथ। सो गाइस, आज का सीन ये है कि आज हम करने वाले कुछ तड़कता भड़कता, क्योंकि आज है हमारी लास्ट क्लास। और तड़कता भड़कता ये है कि यार मैम, एक मैम है हमारे, बहुत अच्छे मैम है, तो वो लवली छोड़ के जा रहे हैं, अपने होम टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं और वहीं की कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके लिए हम केक वगैरह लाएंगे और फेयरवेल पार्टी देंगे उनको, थोड़ी बहुत जो हमारे से हो पाएगा वो हम करेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जाना है क्लास। 9 से 10 है मेरी क्लास और 9:30 हम निकलेंगे और केक वगैरह का अरेंजमेंट करने के लिए, केक वगैरह लेने, और फिर आएंगे क्लास में सीधा और मैम को सरप्राइज़ देंगे। तो चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। और अभी तक मेरी आँखें नहीं खुली हैं, मैं इतना जल्दी उठ गया हूँ। सुबह 5 बजे सोया था और अभी 8:30 वगैरह उठ गया, 8 बजे उठ गया था। तो अभी चलते हैं, लेट हो रहा है। सो गाइस, अभी हम छोड़ के जा रहे हैं क्लास, अभी 9:30 पे अपन निकल चुके हैं यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये रहा प्रिंस अपना भाई, कैसा है भाई? यार भाई, एक तो तेरा हाथ ना हल्के जैसे है, हल्के जैसे भैंस के हाथ, वैसे मैं ग्रीन टी शर्ट भी पहन गया हूँ आज। तो क्या प्लान है, ये बता, कहाँ से लेके आना केक, कहाँ से मिलेगा इतनी जल्दी, केक कहाँ से मिलेगा? लवली बेक पे, लवली बेक पे मेरे को लग नहीं रहा वो खुला होगा, क्योंकि मैं अभी आते वक्त आया था। तो भी है उनके बन ना, वहाँ पर चलते हैं। मैं कह रहा हूँ यूनिमॉल चलते हैं। अरे यूनिमॉल तो थर्ड ऑफ सुना पड़ा। चल ठीक है सर, पहले वहाँ पे देख। हरियाणवी ना बोल, मैं पंजाबी स्टार्ट हो जाऊं पूरी वाली, तगड़े वाली। हां सही है ना भाई, डिस्काउंट दसो किन्ने दा मिलू आपां नूं। आओ देख लो, व्लॉग सारे देखणगे। डिस्काउंट मांगदे, डिस्काउंट भाई, व्लॉगरां नूं कोई डिस्काउंट नहीं। गजब बेइज्जती है। अभी भाग के जाओ, उसमें कन्फ्यूजन ज्यादा हुई, लिखवाया गया केक फिर। देखो गाइस, हमने फायर कैंडल लेनी थी बट अलाउड नहीं है, तो फिर छोड़नी पड़ी, हमें लेफ्ट करनी पड़ी, उनको फिट करना पड़ा, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। तो अभी चलते हैं क्लास में, क्लास में से गालियां आ रही है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, लेट करा दिया, बट क्या करें यार गाइस, केक ही नहीं मिल रहा था। तो अभी चलते हैं, मैम भी थोड़ा है। तो गाइस यहाँ पर हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो केक हमने 2 ले लिए हैं और लगभग 800-900 के पड़ चुके हैं वो। तो अभी जल्दी से जाते हैं और जाके केक कटिंग करते हैं और मैम को सरप्राइज़ देते हैं। और जैसे वीडियो बनी देख लेना आप, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा अभी फुल तगड़े वाली वीडियो बनाने की। क्या बोली? पेटीएम नंबर मांगे आपसे पार्टी। पिंक कलर होगा मैम फेवरेट। मैडम इसको ज़्यादा खिलाओ मैम, गैंगस्टर है मैम ये।
कैसा लगा ये? क्या बहुत अच्छा, मुझे हमेशा याद रहेगा और आप लोग सारे सब याद रहोगे हमेशा। ओके मैम, केक मिल गया। यशवान आपको कैसा लगा ऑर्गेनाइज करके? पहली बात यार, मेरे दो दिन मतलब ऐसे चले गया, वेस्ट चले गया तुमको, तुमसे रुपए मांगने में। अभी अभी बहुत बढ़िया जाए, बढ़िया जाए। बहुत मुश्किल से केक लेके आए, 9:30 बजे गए थे। देखा, बनाने लग पड़े थे शायद से केक बनाने लग पड़े थे शायद से उधर। नहीं भाई, केक मिले नहीं थे ना। अरे वो हजार हजार दो थे। और जल से आपको कैसा लग रहा है? मोनिका मैम बहुत इधर देखो। केक अच्छा है। फाइनली गाइज, अभी हमने मैम को फेयरवेल पार्टी दे दी थी, दो केक लाए थे हम और कटिंग वगैरह हमने कर ली थी और अभी हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी है। एक क्लास है लेकिन उसका हमें जाने का नहीं है। उसमें नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें अटेंडेंस अच्छा नहीं है दोनों की। लग जाएगी वैसे, प्रोक्सी लग जाएगी शायद ये, क्योंकि बोल के है मैम। तो अभी जाते हैं हॉस्टल, खाना खाते हैं। और आज का जो फेयरवेल था कैसा रहा ये बता? अच्छा था, मतलब ये तो क्लास में मतलब आधे घंटे लेट आए ये और प्रिंस थे, मतलब सही था। मैम पढ़ा रही थी, एकदम से मैम खुश हो गए, इमोशनल हो गए थोड़े से मैम कि बेटा ये सब क्यों कराई ऐसा वैसा। आपने कहा नो मैम, आप लास्ट है तो ये तो बनता है। लाइक एलपी में सबसे बेस्ट मैम लगे मेरे को, क्योंकि भाई बताते बढ़िया थे और सब कुछ। बाकी मैम से सजेस्ट करोगे तो वन ऑफ द डैड मैम इज वेरी गुड मैम। इंग्लिश में वेरी हाई फाई है नहीं, मतलब मैडम बहुत चंगे सी। हाँ जी, पढ़ाने का तरीका उन्होंने बहुत वधिया सी, बहुत मतलब सजेस्ट करते कि ये करना है, सब कुछ करना है। मतलब कोई टीचर इतना बताता नहीं है, सारे पढ़ा के चले जाते हैं, बट मैडम बता रहे थे बस वो अपने सब्जेक्ट करने पढ़ाते थे। तो दिल से जाता है ये चीज करने के लिए कि यार हाँ यार करनी चाहिए मैडम वगैरह के लिए। कौन निकाल, कौन रहा था गाली, कौन निकाल रहा था? ये निकाला था, ये गाली निकाला था यार। ऐसे नहीं करना चाहिए यार। BH4 वालों ने बहुत कांड किया यार, पता मेरे को। आप भैया देख रहे हैं, ऐसे मत करो यार। चैनल का नाम क्या भैया आपके? बीस्ट माइन। कितना सब्सक्राइबर है भैया? 10K। अभी 10K होने वाले हैं यार। 10K। How much earning? अरे क्या बोल रहे हैं? How much money? How much earning right now? भाई, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। What do you do for 60 to 70? आ जाता महीने का 2-3 लाख। घंटा 60 से 70 आता क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, अभी स्टार्ट न्यू ईयर नहीं, मोनेटाइज वगैरह होगा अभी, अप्लाई किया हुआ अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ अभी मैं स्ट्राइक आ गई थी यार चैनल पे, इसलिए। क्यों? इसीलिए पंगे ले लिए भाई। तुम आ गए वीडियो में, धक्का क्यों मार रहे हो भैया? कीप अस इन वीडियो। यस यस। तो गाइस अभी चलते हैं अपन हॉस्टल। और ठीक है भाई, वी आर फ्रॉम बीटेक। आ गए हां बीटेक भाई, चमचा फेंकोगे सारे बीटेक वाले निकलेंगे। आगे तो अभी चलते हैं हॉस्टल और खाना वगैरह खाते हैं, बहुत पंगे ले लिए। लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, अभी अपन पहुंच चुके हैं अपने रूम में। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आज हमने लाइक फेयरवेल बनाई थी मैम की, जो मैंने आपको पहले व्लॉग में बताई दिया है, अभी दोबारा से वो रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आप बोर हो जाओगे। और बस ये लास्ट में ये कहूँगा कि व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और एलपी रिलेटेड किसी भी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट माइंड।